हाय गाइस, दिस इज नेहा फ्रॉम वाइस आईएएस। और आज हम फिर से करंट अफेयर्स का एक टॉपिक लेकर आए हैं, मोस्ट रीसेंट, विच इज रिलेटेड टू आपके इसरो का जो SSLV है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं आगे एंड व्हाट इट हैज टेस्टेड, और ये कैसे गेम चेंजर सैटेलाइट लॉन्चर है। और जैसे कि आपको पता है, कोविड आया था तो कैसे अब इसरो ने अपना काम एकदम फास्ट ट्रैक कर दिया है कि उसे 5 सैटेलाइट 3 महीने में लॉन्च कर दी करनी है, ठीक है। SSLV या फिर हमें इसको मिनी PSLV बोलते हैं, ठीक है, एकदम यू कैन कॉल इट लाइक मिनी PSLV। और इसके अलावा हम जितने भी इसरो के रिगार्डिंग वीडियोज लाते हैं, डोंट फॉरगेट कि उन्हें एक बार आप वापस देख लें, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हम इसरो के बारे में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। हम PSLV GSLV के डिफरेंस को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा, ठीक है, आप जैसे देख सकते हो, हम न्यूज क्लिपिंग्स भी लगाते हैं बिफोर स्टार्टिंग एनी ऑफ आर वीडियो, तो आप उसका थोड़ा सा ना एक बार आइडिया ले लिया करो कि क्या इन न्यूज एग्जैक्टली हो क्या रहा है, न्यूज अपडेट में है क्या, ठीक है। तो आपको जैसे कि इसरो के बहुत ज्यादा SSLV दिख रहा होगा, इसरो के बारे में मैंने बताया था व्हाट एग्जैक्टली इसरो इज, तो आई होप आप लोग रिकॉल कर पा रहे होंगे कि कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी को नेशनल डेवलपमेंट पे ये लेके जाते हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर्स मैंने बताया था बेंगलुरु, ठीक है, 15 अगस्त 1969 को फाउंड किया गया था, ठीक है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन याद कर लो इसकी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में ये आता है। देखो, हमारे कुछ नहीं जाता है, हम डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं ये वाला सेक्शन की स्टूडेंट्स खुद पढ़ लेंगे, बट द ओनली रीजन इज कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तो उसे एक बार थोड़ा सा ठीक से पढ़ लो, कुछ नहीं जाता आपके 2 मिनट की इंफॉर्मेशन में, ठीक है। आपको एक परफेक्ट ओवरव्यू मिल जाना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप एक चीज ये देख लो, आपको मैंने हाई थ्रस्ट विकास इंजन भी बताया था आगे गगनयान प्रोग्राम का, ठीक है। उसके अलावा आपको बहुत सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन दी गई थी इसरो के बारे में, तो आप आई होप आपको थोड़ा सा आपको वापस सारी चीजें रिकॉल हो गई होगी, ठीक है। अब उसके अलावा SSLV के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, ठीक है, पर हम स्टार्ट करते हैं कि इसरो का जो न्यू इंडिजिनियस न्यू लॉन्च रॉकेट है, जो कि इंडिजिनियस मतलब हमारा, ठीक है, खुद का बनाया हुआ, जिसे बोला जाता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या फिर मिनी SSLV, इसके मतलब इज लाइकली टू हैव इट्स मच डिलेड मेड इन डेवलपमेंट फ्लाइट दिस अप्रैल। अब आपको पता है कोविड के कारण इसमें कितने ज्यादा कोविड के कारण कितने डिले आ गए थे इसरो में, तो इसरो का भी प्लान है कि अप्रैल में इन्होंने ये फास्ट ट्रैक किया है कि मैक्स ऑन मैक्स इसको फटाफट से ये लोग कंप्लीट करेंगे। अब SSLV क्या है, ये देखो कुछ नहीं है, एक बहुत स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल होता है, स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल जो हमारा इसरो डेवलप करेगा, और इसकी पेलोड कैपेसिटी भी बताऊंगी मैं आपको आगे लो अर्थ ऑर्बिट में और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में इसकी क्या पेलोड कैपेसिटी है। स्मॉल व्हीकल क्यों बोला जाता, 30 करोड़, लाइक ऑलमोस्ट $4 मिलियन इसकी कॉस्ट आएगी, ठीक है। 4 stages होती है इसमें। देखो, अगर स्टूडेंट्स आपको अगर इतना डिटेल्ड वीडियो चाहिए ना, तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिए कि आपको जो ये लॉन्च व्हीकल्स होते हैं स्पेसिफिकली इसके डिजाइन वीडियोस चाहिए, तो हम आपके लिए वो ले आएंगे, क्योंकि हर वीडियो में मैं PSLV GSLV का थोड़ा ओवरव्यू देती हूँ, बट जो विकास इंजन वाला है उसमें हमने एक्सप्लेन भी किया है, उससे पहले वाले में और एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सो वी वॉन्ट बी रिपीटिंग द सेम थिंग अगैन एंड अगैन, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा चीजें कि एग्जैक्टली हम किस चीज की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि क्या SSLV क्या है, तो याद रखना मिनी PSLV, अगर PSLV के बारे में पता है तो SSLV आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा समझने को। अब देखो, SSLV की जो मैं पेलोड की बात कर रही थी, दैट इज लाइक ऑलमोस्ट 500 kg लो अर्थ ऑर्बिट में। अब देखो, आई होप आपको ये भी लग रहा होगा लो अर्थ ऑर्बिट क्या है, तो इन सब की अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में, नीचे कमेंट सेक्शन में
कमेंट करो, जिससे हम डेडिकेटेडली एक वीडियो आपके लिए लेके आएंगे जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब आगे देखो, जो SSLV है ना, ये ऑलमोस्ट आपके 500 kg की जो है पेलोड है इसका टू अ लोअर अर्थ ऑर्बिट, वाइल द ट्राइड एंड टेस्टेड PSLV लॉन्च सैटेलाइट्स वेइंग इन द रेंज ऑफ 1000 kg। ठीक है, तो SSLV है ना जो इज द स्मॉलेस्ट व्हीकल, 110 टन मास का है एट इसरो, इट विल टेक ओनली 72 आवर्स, इसको जोड़ने में सिर्फ 72 आवर्स लगेंगे इंटीग्रेट करने में, जो कि बाकी मतलब अनलाइक द 70 डे टेकन नाउ फॉर अ लॉन्च व्हीकल, जो आपके लॉन्च व्हीकल को 70 दिन लगते हैं ना, इसको 72 आवर्स, आप टाइम गैप का डिफरेंस देख सकते हो। इसीलिए देखो, आप हेडलाइंस देखो, हेडलाइंस क्या कैसे मतलब पता है, आधा तो आप हेडलाइंस अगर एक बार पढ़ लिया तो इट्स अ काइंड ऑफ रिवीजन फॉर यू, पता है आप अपने आप समझ जाएंगे, ओके दैट इज व्हाई इट इज गिविंग लाइक बिग प्रोस्पेक्ट्स अहेड, गेम चेंजर। तो जो ये न्यूज आइटम्स है ना, दिस कैन बी लाइक बेस्ट सोर्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं आप कि आप बेस्ट और बेस्ट ऑन बेस्ट समझ सकते हैं एग्जैक्टली व्हाट अ न्यूज आर्टिकल इज ऑल अबाउट। ठीक है, आगे देखो। हाँ, एक थोड़ा सा आपको आपका टाइम लेना चाहूंगी, हम फेसबुक यूट्यूब और जीमेल पे अवेलेबल है, और वी हैव सर्टेन टेस्ट सीरीज जो कि बहुत बेसिक प्राइस में है, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, और जो इसका प्राइस रखा गया है वो बहुत ही मिनिमम रखा गया है, रीजन बीइंग सीरियस एस्पिरेंट्स को ही अट्रैक्ट करना। इसके अलावा वाइश आईएएस के यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लेक्चर्स चल रहे हैं, एनसीईआरटी हुआ, बाकी स्टैंडर्ड बुक्स हुई, इन सब के लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं। आपको जो करना है वो सिर्फ ये करना है दैट यू हैव टू ज्वाइन द टेस्ट सीरीज और बाकी आपकी प्रेपरेशन कंप्लीट, कंप्लीट इन द सेंस कि आपको वाइश आईएएस विदाउट चार्जिंग एनीथिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। जो आप ये नंबर देख रहे हैं ना 7200681675, इस पे वाइश सर आपको डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप देंगे, जो अपने आप इस फील्ड में एक बहुत एक्सपीरियंस क्वालिफाइड पर्सन है, जिनसे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको यूपीएससी स्टैंडर्ड्स अपने आप जानने में आ जाएंगे। ही इज लाइक द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन यू विल एवर मीट, रीजन बीइंग ही इज वेरी मच एक्सपीरियंस्ड इनटू द थिंग्स एंड यू कैन जस्ट मेक यूज ऑफ की जो जो उनकी नॉलेज है, एंड लाइक यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट हिम ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, आगे देखो। इसके अलावा मैं आपको बता चुकी हूँ हमारे दोनों चैनल्स पे कोर्सेज चल रहे हैं, तो अगर कोई चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है तो उसका फायदा लीजिए, क्यों छोड़ रहे हैं अगर कोई भी चीज आपको फ्री में मिल रही है तो, और एक बार जाके देखिए, पता है आपको अपने आप क्वालिटी स्टैंडर्ड वो दिख जाएंगे कि दे एक्चुअली होल्ड अ गुड स्टैंडर्ड। ओके, अब जैसे कि हम SSLV की बात कर रहे थे, SSLV है क्या एग्जैक्टली, मतलब क्यों लाया गया है ये, क्या मतलब इसके पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो SSLV जो है ये बेसिकली मार्केट को कैटर करना चाहता है, किस लिए, कि जो स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का मार्केट है लोअर अर्थ ऑर्बिट्स में, ये उस मार्केट को क्या करना चाहता है, कैटर करना चाहता है, मतलब उस मार्केट को ये कवर करना चाहता है। ठीक है, इट कैन कैरी, जैसे मैंने बताया लो अर्थ ऑर्बिट में ये 500 किलो तक है ना, 500 किलो तक की सैटेलाइट्स को ये क्या कर सकता है, वेइंग अप टू उसको कैरी कर सकता है। तो जो ये SSLV है ना, इसको मिनी PSLV क्यों बोला गया है, क्योंकि SSLV स्मॉलेस्ट व्हीकल है 110 टन मास का इसरो का, क्यों इसको गेम चेंजर बोल रहे हैं ना, मतलब किस कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी। ठीक है, तो SSLV स्मॉलेस्ट व्हीकल है, 110 टन, समझ रहे हैं आप, लाइक वेरी लेस फॉर इसरो, राइट। तो 110 टन मास का ये स्मॉलेस्ट व्हीकल है इसरो के पास, ठीक है, तो इसलिए ये एक वन ऑफ द गेम चेंजर है, 500 केजी का पेलोड है। तो जो जिन चीजों को 70 दिन लगते थे ना जिसको इंटीग्रेशन में, इसको सिर्फ 72 आवर्स लगेंगे, ओनली 6 पीपल विल रिक्वायर टू डू द जॉब। अब आप एक चीज देखो, टाइम एंड पर्सनल, टाइम एंड लेबर बच रहा है आपका, कितना कॉस्ट इफेक्टिव होगा, दैट इज व्हाई इट्स अ ग्रेट गेम चेंजर। इसलिए इसके पर्सपेक्टिव्स आगे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आगे बहुत ज्यादा इसका करियर है, ठीक है, मतलब आगे ऑफकोर्स सी बात है इसरो इज लाइक डूइंग कमेंडेबल जॉब कोविड के डिलेज के बाद, इट इज लाइक
ऑन एक्सट्रीम सक्सेस. ऑल राइट, तो जो कॉस्ट है इसकी रहेगी ऑलमोस्ट 30 करोड़. और ये बेसिकली किस लिए है, इट विल बी बेस्ट सुटेड किस लिए, लॉन्चिंग मल्टीपल माइक्रो सैटेलाइट्स एट अ टाइम एंड सपोर्ट मल्टीपल ऑर्बिट ड्रॉप ऑफ्स. अब देखो ये वाली जो लाइन है ना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए. रीजन बीइंग कि ये अपने आप में SSLV का एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, इट इज बेस्ट सुटेड फॉर लॉन्चिंग मल्टीपल माइक्रो सैटेलाइट्स एट अ टाइम एंड सपोर्ट्स मल्टीपल ऑर्बिट्स ड्रॉप ऑफ. मल्टीपल ऑर्बिट्स पे जब, मतलब मल्टीपल सैटेलाइट्स को मल्टीपल ऑर्बिट्स पे आपको ड्रॉप ऑफ करना होगा, ये तब बेस्ट सूट होगी. रीजन बीइंग काफी कम वे का बोलते हैं ना, मास इसका बहुत कम है. ठीक है, पेलोड भी अच्छा है कंपैरेटिवली. और टाइम और लेबर कितना बच रहा है आपका. ठीक है, इंटीग्रेशन में सिर्फ 72 आवर्स लगते हैं जो 70 दिन लगते थे. ठीक है, यहाँ हमने बताया, देखो यहाँ पे 70 डेज की जो बात हो रही थी ना, यहाँ पे कितने लग रहे हैं, सिर्फ 72 आवर्स. 70 डेज एंड 72 आवर्स में कितना डिफरेंस है, आप खुद देख लीजिए. ठीक है, समझ पा रहे. आगे देखो, देखो ये जो ऑर्बिट्स है ना, इनके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, डिफरेंट ऑर्बिट्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट. या आई एम सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन. अब देखो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हुआ, लो अर्थ ऑर्बिट हुआ, जियो, लियो, मियो, एसएसओ, जीटीओ, एल पॉइंट. अब देखो थोड़ा सा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, यू शुड बी लाइक नोइंग अबाउट इट. अब जैसे आई होप आपको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तो पता होगा. जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को आप जियो सिंक्रोनस इक्विटोरियल ऑर्बिट भी बोलते हैं. क्यों इक्विटोरियल ऑर्बिट बोलते हैं, क्योंकि ये उस सर्कुलर फॉर्म में उस एल्टीट्यूड पे ही घूमता है. ठीक है, समझ पा रहे हैं आप. तो लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, ओके. पोलर ऑर्बिट क्या होता है, व्हाट वी कॉल इट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या होता है. ठीक है, उसके अलावा आपके लेग्रांज पॉइंट क्या होता है. लेग्रांज पॉइंट की जब आप बात करेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस. तो अब जैसे लो अर्थ ऑर्बिट का आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, मतलब ये आपके एक जो ऑर्बिट होता है, ये आप बोलते हैं ना लो अर्थ. लो अर्थ मतलब अर्थ के बहुत करीब, समझ रहे, अर्थ के बहुत ज्यादा करीब, वो होगा आपका लो अर्थ ऑर्बिट. देखो मैं एक डिटेल में एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पाऊंगी अभी, बिकॉज वी हैव सम सर्टेन टाइम लिमिट और यहाँ पे हम SSLV की बात कर रहे हैं. बट आई बिलीव आप थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए. हाई अर्थ ऑर्बिट क्या होगा, ऑफ कोर्स फ्रॉम द लाइक जब सैटेलाइट कुछ 42,000 किलोमीटर्स, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस एग्जैक्ट फिगर, 40,000 किलोमीटर सेंटर ऑफ द अर्थ से दूर चली जाती है ना, तो बेसिकली इट कम्स अंडर योर हाई अर्थ ऑर्बिट. ठीक है, उसके अलावा पोलर ऑर्बिट्स क्या होते हैं, वही जैसे जियोसिंक्रोनस क्या होते हैं बात हो रही थी अभी. जियोसिंक्रोनस इज लाइक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑन दैट इक्वेटर सेक्शन. ठीक है, इक्वेटर के अराउंड, लो अर्थ ऑर्बिट नियर द अर्थ ऑर्बिट. पोलर ऑर्बिट्स क्या होते हैं, जो नियरली अबव बोथ पोल्स ऑफ द प्लैनेट ऑन ईच रेवोल्यूशन. पोलर नाम से समझो, देखो नाम समझोगे तो अपने आप आपको चीजें समझ आएगी. ठीक है, लेग्रांज अगर आप समझना चाहते हैं तो इसके लिए वी नीड अ डेडिकेटेड वीडियो. और अगर आप ऐसा कुछ वीडियो चाहते हैं तो जस्ट टेक्स्ट अस. अब देखो आपका जो मीडियम अर्थ वाला होता है ना, बेसिकली व्हाट इट इज, इसमें वाइड रेंज ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं. ये कहीं भी हो सकते हैं आपके व्हाट वी कॉल इट, लियो में भी हो सकते हैं और जियो में भी हो सकते हैं. ठीक है, अब थोड़ा सा लेग्रांज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, सो ये देख लो कि वी कैन कॉल इट कि जो लेग्रांज पॉइंट्स होते हैं ना, ये ऑलमोस्ट स्मॉल मास ऑब्जेक्ट होते हैं. ये बहुत ज्यादा ऑर्बिटिंग बॉडीज के आसपास जो होते हैं उनको हम बोल सकते हैं. ये मान लो कि दो बॉडी सिस्टम है ना, समझिएगा थोड़ा सा, जो उनकी पोजीशन है, ये जो पॉइंट्स होते हैं जहां पे दो बॉडी सिस्टम का ग्रेविटेशनल फोर्स, लाइक फॉर एग्जांपल सन और अर्थ, की एक एनहांस रीजन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे अट्रैक्शन हुआ, रिपल्शन हुआ, तो आप पार्किंग स्पॉट्स बोल सकते हैं. समझ गए, तो लेग्रांज पॉइंट समझने के लिए यू नीड सम लाइक डेडिकेटेड वीडियो.
तो अभी हम उसकी डिटेलिंग में ना जाके थोड़ा सा आई होप आपको ऑर्बिट के बारे में समझ आ गया होगा। अब देख लो, अगर आप लॉन्च करते हैं स्मॉल सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट्स में, समझ आ गया, लो अर्थ ऑर्बिट्स नियर दी अर्थ, ये इतना सिग्निफिकेंट हो गया ना रीसेंट ईयर्स में कि मतलब हर डेवलपिंग कंट्रीज इसके पीछे भाग रही है, प्राइवेट कंपनीज इसके पीछे भाग रही है, प्राइवेट कॉर्पोरेशन इसके पीछे भाग रही है, यूनिवर्सिटी, क्योंकि मोर अबाउट कि हमें टाइम और लेबर सेव करना है हमारा, समझ रहे। आगे देखो पीएसएलवी, आपको पता ही है कि पीएसएलवी वाज डेवलप्ड टू लॉन्च लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट इनटू पोलर एंड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट्स मैंने बता चुकी हूँ पोलर ऑर्बिट क्या होता है। इट हैज बीन सिंस प्रूव इट्स वर्सेटिलिटी बाय लॉन्चिंग जियो सिंक्रोनस लूनर इंटरप्लैनेटरी स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली। और बाकी दूसरा जो आपका जीएसएलवी है वो बेसिकली हेवियर इनसेट क्लास ऑफ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स थी ना, उनको लॉन्च करने के लिए बना था। तो उसकी जो थर्ड और फाइनल स्टेज है ना जीएसएलवी की, ये बेसिकली इंडिजिनियसली डेवलप क्रायोजेनिक अपर स्टेज यूज करता है। अब देखो मुझे पता है आपको ये वर्ड्स थोड़े से हैवी लग रहे होंगे, थोड़े से क्या लग रहे होंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। तो देखो हम आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ला सकते हैं, तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो कॉमेंट करिए, राइट, जस्ट पार्टिसिपेट एंड कॉमेंट बिलो। इसके अलावा मैं आप लोगों से सिर्फ इतना से एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि एक बार जाके आपका इंडियन एक्सप्रेस हुआ, द हिंदू हुआ, इनके आर्टिकल को ना अब पढ़ना डेडिकेटेडली। आप जब पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंस अपने आप नजर आएगा कि एग्जैक्टली व्हाट एसएसएलवी इज अ गेम चेंजर फॉर नाउ, ठीक है, आपको अपने आप समझ आएगा। और अगर थोड़ा सा डिटेलिंग जाननी है ना चीजों की तो जस्ट गूगल इट, गूगल पे आपको सब ऑथेंटिक नहीं बट आई वुड से गूगल इट फॉर द न्यूज़पेपर, ओके, पीआईबी वगैरह का आप देखिए। और उसके अलावा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ वाइश कोर्सेज, वाइश यूट्यूब चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेपरेशन करवा रहे हैं, तो वाई टू मिस द चांस, आप जाके हमारा वो जो दूसरा चैनल है उस पर देखिए, और वाइश सर खुद भी पढ़ाते हैं और टीचर्स हैं वहां पे काफी सारे जो काफी मेहनत करके आप लोगों के लिए लेक्चर्स प्रिपेयर करते हैं, तो उनका बेस्ट यूज करिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टेस्ट सीरीज के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वंस अगेन यस, अगर इफ समथिंग इज कमिंग फॉर फ्री दैट डजंट मीन इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स लाइक सर्विंग एक्सेलेंट क्वालिटी, सो जस्ट गो एंड वॉच इट, ऑल राइट। और इसके अलावा बस स्वस्थ रहिए, बी सेफ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और थोड़ा सा ध्यान ही रखिए अपना, ठीक है, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, एंड थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगेन, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।